आपसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि ये प्लेस को राइट राइट जो नेचर है वो तो सुंदर है ही है, और जो भाई के साथ आया है उसके नेचर इतना सुंदर है उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यूट्यूबर के साथ एक ड्राइवर के साथ गाइस, अब मैं हूँ तो अलीडर ऐसा है कि एक ऑर्बिट प्लेस है तो सुंदरता बहुत ही है, यहाँ की सुंदरता ही मैं आपको प्रेजेंस कर रहा हूँ। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और मेरा कंटेंट कैसा लगता है आप लोग थोड़ा इसको भी लिख दीजिए, है ना। तो चलते हैं, कैसे पूछते हैं सर कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। इस पहाड़ इसको बोलते हैं फुसरे, फुसरे पे है आप, फुसरे फुसरे पे है। तो कुछ बता दीजिए रास्ते का एक्सपीरियंस। रास्ते का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, हम लोग क्लाउड के अंदर से होकर आए, बहुत ही अच्छा। हम लोग अभी क्लाउड के अंदर ही है, नीचे बहुत सारा क्लाउड है और इधर का नजारा बहुत ही अच्छा है। अलीटर के बारे में जो लेक देखा, हाँ वो लेक भी बहुत अच्छा था, उससे ये जगह सुंदर लग रहा है बहुत ही। तो लेट्स गो, और भी आगे लेक है तो आपको। हाँ, जो नेचर है वो तो सुंदर है ही है, और जो भाई के साथ आया है उसके नेचर इतना सुंदर है उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वाह, इससे अच्छा क्या बोले। थैंक यू। तो चलते है, चलते चले आए, यही है गेस्ट लोग भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जो ऑफ रोड की बात तो माय गॉड क्या बोले सर, ऑफ रोडिंग की बात बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था ऑफ रोड का, इतना सुंदर ऑफ रोड लगा क्या बोले। मजा आ रहा है, तो ऐसा ही है। तो आज मैं जा रहा हूँ फुसरे लेक। गाइस थोड़ी देर में यहाँ के नीचे दिखाऊंगा, कई सारा वीडियो में भी है, शायद आप लोग पहली बार मेरा वीडियो में देख रहे होंगे तो नहीं दिखा है ना, तो इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो फुसरे कैसा होगा, इतना कहाँ से आना होगा, अलीटार से आपको फुसरे आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, अपडेट भी है। कुछ बोल दीजिए यहाँ के बारे में। ठंडा भी लग रहा है, हाँ। और अच्छा बहुत अच्छा भी लग रहा है, हिंदी में बात नहीं वैसी कर सकता। मेरा अनेक अनेक मेरा दोस्त लोग बंगाली में, বাংলাতে বলছি, খুব ভালো জায়গা। প্রথম প্রথম এসেছি, সুন্দর লাগছে, এত সুন্দর একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আর কোন অসুবিধা, কেমন লাগছে ইদার? বহুত আচ্ছা লাগছে। কাপ লিও আপ ভি তো টপ সিকিং কে সবসে উচে পাহাড় মে হ্যায় আর বহুত আচ্ছা লাগছে। তুমি কি দেখিয়ে তো কাপ হ্যায় আপ কোই প্লেস পে नहीं। इसको बोलते हैं फुसरे, अलीटार से थोड़ा ऊपर की जो आपने तब बोला है वही है। तो कुछ एक्सपीरियंस बता दीजिए, आइए ना चलते चलते। यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, और हिल स्टेशन पर टूर मेरा सेकंड बार है। पहली बार मैंने यहाँ पे ऐसे क्लाउड्स में आके ऐसे कोई एक्सपीरियंस बहुत पहला वाला है, और नर्वस भी बहुत ज्यादा हूँ क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं आपसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि ये प्लेस को, राइट? हाँ राइट। आपका एक्सपीरियंस मस्त है? हाँ बहुत बहुत। इतना टॉप में पहली बार मैं राजू भैया लेके आया। हाँ पहली बार मैं यूट्यूबर के साथ, एक ड्राइवर के साथ। यूट्यूबर नहीं, मैं इतिहास रच रहा हूँ। मैं बस आप लोग कौन कौन, मेरा आप लोग तो मेरा घर में जा रहे हैं तो इसीलिए यादगार हूँ राइट। अच्छा लगा मेरा कंटेंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बाद में फिर मिलते हैं आपसे। इतना पहाड़ों में ये मैगी सेकंड डे कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। खड़ा होके मांगी खाना और वो भी बादल के अंदर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और थैंक यू सो मच। जी जी जी, ऐसा ही नेचर के साथ हम लोग टूर करते रहेंगे, वैसे दिन बीत जाएगा। जो नेचर को प्यार करता है उसके लिए ये वाला एक्सपीरियंस लेना चाहिए। यस राइट सर, ओके। पर्सन विल बी इंग्लिश। ऐसा ही हम लोग क्लिप करते रहेंगे वीडियोस वगैरह। ओके थैंक यू। मैगी दिखा दीजिए सबको। वाई वाई माउंटेन फूड है जी। तो फुसरे की जगह में है हम लोग, फुसरे तो ये है बंगाली है, बंगाल प्लेस में है। आप लोग अभी बंगाल में है फुसरे। तो क्लाउड के साथ मैगी ठंडा। मैडम तो देखिए पूरा चुन्नी उन्नी लगा लिया है। ऐसा ही है, कल और ठंडा रहेगा जुलुक में। वाओ इतना अच्छा, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा दिख रहा है। सो गाइस मैं अभी जुलुक में हूँ। जुलुक अभी कितना सुंदरता के रूप में दिख रहे हैं, तो चलिए दिखा देते हैं। ये है जुलुक, जुलुक, जुलुक। देखिए कितना खूबसूरत है ना। ये सब देख रहे हैं आप लोग, ये छोटा छोटा होम स्टेज वगैरह है। यहाँ के लोग जितने भी स्ट्रगल करते हैं और कहीं जॉब भी है, और मैक्सिमम लोग यहाँ की होम स्टे से अभी इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। और जुलुक बोलेंगे तो थोड़ा टॉप में है, स्नो की टाइम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्नो वगैरह मिलता है। अभी तो नवंबर के मंथ में उतना स्नो का चांसेस नहीं रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टे किया हूँ। आज जुलुक का नज़ारा ये सब है। चले गेस्ट से पूछते हैं। सब लोग रेडी सर? जुलुक, जुलुक में आज निकल रहे हैं हम लोग। तो कैसा लग रहा है वेदर आपको? बहुत अच्छा लग, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा तो बहुत है, कलकत्ता से आया है, ठंडा तो उधर इतना नहीं है। तो कल रात में 3-4 डिग्री हुआ था, इतना सुंदर लगा ठंडे के बाद। अभी धूप आया है, धूप कितना सुंदर लगे क्या बोलेगा। कैसा लग रहा है जुलुक का नजारा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रवि भाई ने जो हम लोगों को इतना गाइड किया है बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा जगह घुमाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। जी जी, और तो और ऊपर जाना है, देखिए वो टॉप है ना इधर, ये टॉप में जाएंगे हम लोग। ये तो आधा ही आया है हम लोग, देखिए नीचे। ये है गाइस जुलुक, आज क्लियर वेदर है। मैम आज की वेदर कैमन लग रही? आज के तो वेदर खूब भालो, खूब सुंदर, एकदम रोज झलमले वेदर, खूब भालो लग रही, खूब सुंदर लग रही। खूब आपने कोथे आ चे? हाँ कोथे आ चे खाने? ना ना बाड़ी नहीं, आ कोथे आ चे? ना आप कोथे मैं जानी ना, ये ता रास्ता है जाची, आधे रास्ता हमारा दानी ची, एक तो खानी सवाई, एक तो खानी सवाई प्राकृतिक दृश्य दिखची बस। तो आपको देखने वाले को बोल दीजिए कैसा लग रहा है, यहाँ पे आना चाहिए? हाँ हाँ अवश्य आस्ता है, हमारा प्रथम बार एलम, प्रथम बार ऐसे खूब भालो लग रहे। अच्छा सुंदर जगह, ठीक है जी ना। आइए आइए सर, वेदर देखिए। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस बता दो पहले, मैं कितनी बार आ चुका हूँ लेकिन हर समय फॉगी। आप लोग इतना क्या बोलेंगे, अपना अपना देखने का एक नजारा होता है ना, ये होगा। कैसा लग रहा है बोलिए एक्सपीरियंस? अच्छा जी जी, सिल्क रूट हम पहली बार देख रहे हैं, हम तो मिसमेराइज्ड है। फोटो ही खींचते जा रहे हैं, फोटो ही खींचते, टाइम का पता नहीं चल रहा है। जी 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 जी, और देख नजारे भी देख रहे हैं, जिधर भी देख रहे हैं उधर ही लगता है कि हम अलग मैडम आई ना अभी कोई प्लेस पे आ चुके हैं। ना ठीक है ठीक है ठीक है, आपको हम घर में पूछेंगे। तो ऐसा है आज सिल्क रूट की, क्या लग रहा है?
रास्ता को देख के किसी ने मैगी एक मैगी अरे सर वो दोनों दिख वो नीचे दो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कान है किसी के कान उठा कर लगा दिए सांप भी लग रहा है कुछ बहुत सांप सांप भी है और रास्ता भी मतलब उतना अच्छा नहीं है अच्छा है लेकिन वो अलग बात है कि अगर इधर से चल कर जाओ तो रिक्स में जाना इतना चल के कौन ही जाएगा गाड़ी से भी नहीं चला जा रहा गाड़ी से ही उठा दी जाएगा एक देखो मस्त है ना देख कर तो ऐसा ही लग रहा है गाड़ी से भी उठाने ब्लॉगर के साथ ही बात करेंगे गुड मॉर्निंग सर क्यों मैडम क्यों हंस रहा है इतना अच्छा तो दुनिया को वीडियो सर क्या है ना हो तो सर आज लास्ट डेट राजू भाई के साथ निकल रहे पूरा एक तारीख से पाँच तारीख तक मैं रहा हूँ कुछ बोल दीजिए नेचर के साथ देखिए एक तारीख से पाँच तारीख तक हम इधर है पूरा सिक्किम घूमा है लेकिन काल जो आया है पहाड़ी के ऊपर गाड़ी से उतरने का समय हम सोचा है बागान में कहाँ में आया है तो ऐसा नारियल की तरह पूरे ऊपर में सूखा देखा लेकिन भीतर में इतना सफेद कुछ देखा है आपको विश्वास नहीं कीजिएगा पांच दिन के बाद आज जाने का मन नहीं कर रहा है हमको 8 बजे जाने था अभी 11:15 ऐसे हो गया है तभी जाने का मन नहीं कर रहा है तभी क्या बोलेगा जाना तो पड़ेगा तो बहुत सुंदर लगा है बहुत अच्छा लगा दोबारा जो भी आएगा पहले इधर रुकेगा ये हम तो आप बोल सकते ठीक है सर एक रिक्वेस्ट करते सर गूगल में है मेरा थोड़ा दो शब्द लिख दीजिएगा है ना लोग मेरा वीडियो देख के आता है और मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कभी भी आउटस्कॉट जाता है ना थोड़ा वहाँ का कोई लोकलिटी का यूट्यूब में देखिए होगा कोई ना कोई वो करिए है ना बात सही है ना थैंक यू सर तो आपने भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया हो गया सर बाय मेरा घर से बाय अभी हम लोग सिलगुड़ी निकल रहे है कि नहीं थैंक यू कल बॉन्फायर का थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिए ऊपर जाके हमको ये वीडियो और सब दे देगा सब दे देगा आपको फाइनली अच्छे लगा यहाँ पे बहुत ही अच्छा कल का कैंडल नाइट का डिनर क्या था चिकन सलाद चटनी बहुत अच्छा थैंक यू ग्रेट हॉस्पिटल वाह ठीक है सब लोग निकल रहे है ना आप भी अच्छा लगा ना आपको ठीक है आप देखा हो भाई मैं यादगार के लिए बनाता हूँ ये वीडियो कभी मैं देखता हूँ ठीक है बाय